हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 10 लाइनें लिखेंगे हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा बच्चों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करना। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पर। सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। सेकेंड लाइन, तब से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरी लाइन, इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। चौथी लाइन पर आते हैं, इस दिन सभी जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। आगे बढ़ेंगे, सभी भारतीयों के लिए ये दिन खास, सबसे खास दिन होता है। आगे बढ़ेंगे छठी लाइन पर, इस दिन सभी जगहों पर भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है। बच्चे नृत्य और संगीत के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। 15 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय अवकाश होता है। नौवीं लाइन, यह दिन हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझने का और अपने देश के प्रति अपनी
जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। दसवीं लाइन, स्वतंत्रता दिवस के इस पवित्र अवसर पर हमें एकजुट होकर देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। तो ये हमने 10 लाइनें लिखी स्वतंत्रता दिवस पर। चलिए आइए इन्हें एक बार हम रीडिंग करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तब से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस दिन सभी जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सभी भारतीयों के लिए ये दिन सबसे खास दिन होता है। इस दिन सभी जगहों पर भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है। बच्चे नृत्य और संगीत के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। 15 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय अवकाश होता है। यह दिन हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझने का और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। स्वतंत्रता दिवस के इस पवित्र अवसर पर हमें एकजुट होकर देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप ये लाइनें बहुत आसान सी हैं, बच्चों को लर्न कराइए और स्वतंत्रता दिवस का ऐसे आप एक निबंध तैयार कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलेंगे हम और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।